हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दिमांस ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे, और वो भी अपनी मौसी जी के साथ। हमारा फैमिली ट्रिप जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं, मेरी सिस्टर भी आ रही है अपने फैमिली के साथ। तो हम जा रहे हैं कसोल। तो देखिए, मैं भी पहली बार जा रही हूँ, हम सब पहली बार जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा है क्या है। सुना तो है बहुत अच्छा है, वहाँ जाके पता लगेगा। तो हमारे साथ ही बने रहिए, पूरी वीडियो एंड तक देखना। पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। एक्चुअली पहाड़ तो मेरे घर से भी दिखते हैं दूर से, लेकिन अब रोड के बराबर में ही आ गए हैं ना, बिल्कुल पहाड़ साइड में स्टार्ट हो गए हैं। बस ये सीन कितना अच्छा लगता है, ये नज़ारा बिल्कुल ऐसा लगता है वादियों में जा रहे हैं, और हिमालय तो है ही ना, वादियाँ ही वादियाँ। तो जा रहे हैं, जैसे ही स्टार्ट हुए सब खुश कि चलो अब तो हमारा रास्ता स्टार्ट हो गया है, हिमाचल के लिए निकले हैं, तो पहाड़ तो आएंगे ही। पहाड़ आते ही बस अलग ही एक मन में आ जाता है कि हाँ अब हम जा रहे हैं, आखिर कब से ट्रिप का वेट कर रहे थे। रास्ते में हमने इधर रुक के उनका वेट कर रहे थे ना, मेरी सिस्टर की साथ में वो भी निकले कि हम साथ में मिले एक बार, फिर साथ में गाड़ियाँ चले। तो तब तक उनका वेट किया, तो गन्ने का जूस बनवाया, वेट कर कि वेट भी हो जाएगा, उनका वेट करेंगे आराम से। बच्चों के पिक्स विक्स निकाले इधर, और फिर हम चल दिए। और ये दोनों देखो, कहते हैं हमारी इधर वीडियो बनाओ मम्मा, रील्स डालना है आपने, हमारी शॉर्ट्स में डालना है। तो ये देखो, इसलिए मैंने कैमरा या ऐसे ही इस एंगल में घुमा दिया, क्योंकि इस एंगल में घुमा के शॉर्ट्स वीडियो सही से बनती हैं। तो मैं सोचा चलो ये यहाँ पे भी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा आपको भी बता देती हूँ, जो मेरा शॉर्ट्स मैंने डाल रखे हैं तो उसमें भी मैं इसको ऐड करने वाली हूँ। तो अब फिर हम निकल लिया आगे के लिए, चलो चलिए। बहुत आगे जाके काफ़ी रश था, लेकिन यहाँ नहीं, देखो पूरा खाली खाली हाईवे, इतना अच्छा लग रहा था। ड्राइविंग में भी बोल रहे कि मज़ा आ रहा है कि वो रश नहीं है, टाइम से निकले थे ना घर से। हाँ आगे जाके तो काफ़ी रश मिला, लेकिन ये देखो कितना अच्छा लग रहा, हाईवे सब नया बना है ये इधर ही ना, ये सब नया स्टार्ट हुआ है, पहले काफ़ी घूम के जाना पड़ता था और अब ये सब नया बना है। टनल बनी है, ये काफ़ी सारी टनल बनी है, तो अब हम टनल में एंटर हो रहे हैं। ये सारी न्यू बनी है, अब लास्ट ईयर जो आए थे उनको नहीं मिली थी, ये ओपन नहीं हुई थी, तब तक तो बनी ही नहीं थी, काम चल रहा था। लेकिन इस साल जो भी निकला है छुट्टियों के लिए, तो उन सबको अब ये टनल से जाके तो अच्छा लगा होगा ना, टाइम सेव हो गया है, कई टनल आएंगी रास्ते में। तो चलिए फिर, इंटरनल की वजह से बहुत अच्छा हुआ, टाइम सेव हुआ, पेट्रोल बचा, कितना कुछ हुआ ना, और पहुंचे टाइम से, कुछ और एक्स्ट्रा देखने को मिला, और इतना ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता, बहुत टाइम ख़राब हो जाता। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा देखने में, लोग बाहर जाते हैं नज़ारे देखने, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी देखने। ये देखो हमारे इंडिया में ही इतनी नेचुरल ब्यूटी है, और हम तो ये ट्रिप का नाम ही रखा क्लोज़ टू नेचर। ये ट्रिप का नाम ही हम ये रख के चले थे कि हमें क्लोज़ टू नेचर जाना है, एक्स्ट्रा कुछ फालतू की चीज़ें नहीं करनी, बस नेचर के क्लोज ही रहना है, वो हरियाली हो सब, जो इधर नॉर्मली मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरे साइडों में ही खेत है, लेकिन वो नेचुरल ब्यूटी तो अलग ही होती है, जो पहाड़ों की ब्यूटी होती है वो अलग ही होती है। और फिर एक के बाद एक टनल क्रॉस करते हुए हम जाए जा रहे हैं, और फिर हम पहुंच जाएंगे अपने विला में, उससे पहले हम करेंगे लंच। अब हम यहाँ आ गए, ये मेरी सिस्टर है रेनू, और मेरे हस्बैंड, मेरे जीजा जी, येलो टी शर्ट में मेरे जीजा जी हैं, और इनके बच्चे हैं, इनके तीन बच्चे हैं, मेरे दो, और कुछ बना रहा है। मैंने बोला हम मुझे भी ले लो कहीं तो वीडियो में, मुझे तो कोई लेता ही नहीं है। तो इधर लंच करने के बाद फिर हम आगे निकलेंगे। कुछ के सवाल पे सवाल चल रहे हैं, तो उसके डैडी उनको आंसर कर रहे हैं, बच्चे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको बताए जा रहे हैं, रास्ते में जो भी दिखता है ये क्यों है, वो क्यों है, ये ऐसा क्यों है,
सब उनको बताते हुए चलना, इससे बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है, करना भी चाहिए। अगर बच्चे सवाल पूछे तो वो जितना हो सके आपको जवाब देना ही चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे सवाल पूछना ही बंद कर देंगे, फिर उनकी वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो आप कोशिश करो अपने बच्चों से जितने ज़्यादा सवाल जवाब कर पाओ ना, तो ये अच्छा होता है, इम्प्रूवमेंट होता है इससे, बहुत ही अच्छा होता है ये तरीका बच्चों से बात करने का। तो अभी चलते चलते सब उनको बता रहे हैं, अभी 6 बजने वाले हैं और हम अब तक नहीं पहुंचे हैं, बस चले जा रहे हैं। चाय पीने के लिए रुके हैं, देखो पीछे का सीन, पानी की आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही होगी ना, नीचे नदी है, देखो दिख रही है ना नदी बस। और ये देखो कितने फ्रूट के पेड़ लगे हैं, देखो फ्रूट्स के पेड़ लगे हैं। बब्बू गोशा बोलते हैं हम तो इसको, अब आप देख लो क्या बोलते हो, दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखो लगे ना कितने सारे लगे, इधर नीचे में भी है, नीचे में सब पेड़ पे लगे हैं, तो सारे पेड़ इसी के हैं। वाओ वाओ, ये तो पूरा बाग है, सारे पेड़ इसी चीज के हैं। वाओ बहुत पेड़ हैं, देखो नदी के पूरे जो कोने तक दिख रहे हैं ना, सब ये ही फ्रूट के पेड़ हैं, बहुत सारे हैं। ये तो फ्री के हैं। कितने हैं पर हाथ ही नहीं जा रहे है। अभी जाते हैं चाय पी के, बस यहाँ से अब 40 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं, 40 मिनट बाकी हैं, चाय पियेंगे फिर हम चलेंगे। अंधेरा होने को है, लाइटों की वजह से ऐसे लग रहा है दिन निकल रहा है, पर दिन नहीं निकल रहा है, ये देखो अंधेरा होने को है बिल्कुल। 7 बज गए हैं, इधर कर रही हूँ कैमरा तो पूरी लाइट आ रही है, ऐसा लग रहा है दिन की शूटिंग कर रही हूँ, पर अभी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और हम अब तक नहीं पहुँचे हैं। कसोल मार्केट में आ गए हैं हम, कसोल पहुँच गए हैं, बस 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने विला पे। हम पहुंच गए हैं, यहाँ हमें जाने, बारिश हो गई है, जैसे ही हम पहुंचे बारिश हो गई है। आनंद ही आनंद है, बारिश में शूटिंग कर रही हूँ, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमने रुकना है, अभी गाड़ी लगाएंगे अंदर, नेचुरल यार है। बारिश में बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ हमने रुकना है, बारिश इतना अच्छा व्यू है, लेकिन ना मैं आपको बाद में पूरा विला दिखाऊंगी, और अभी तो हम पहुंच गए हैं, अभी हम रेस्ट करेंगे। अभी पहुंच गए हैं सुबह से, ये लोग तो सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, हम लोग 9-10 बजे के आसपास निकले थे, और अब पहुंचे हैं शाम के कितने बज गए, रुको देखते हैं, 7:30 हो गए हैं, हम अभी पहुँचे हैं और अभी बस बोले नहा धो के रेस्ट करेंगे, और क्योंकि बारिश हो रही बाहर भी नहीं जा सकते हम घूमने, तो आपको अब मैं सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कैसा क्या है, कैसा सब है, सब बारिश एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी थी ना, अब इतनी गर्मी से ठंडी में निकल के आए, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना तेज तेज बोलना पड़ रहा है सबको, इतना चिल्ला चिल्ला के बाद दूसरी बार डैडी ने भेजा गाड़ी में चाबी, फोन लाने के डैडी का फोन भूल गए गाड़ी में, हमारे यहाँ बीला के अंदर फोन गाड़ी में, तो भूल गया पूरा पीछ गया है। मजा आ रहा था, ठंडी ठंडी सबको ठंडी लग रही है, तो ठीक है अब आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ओके बाय बाय।